जिस चीज का लाखों करोड़ों फैंस इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार ये फाइनल मुकाबला दोबारा कब खेला जाएगा, तो आप लोगों के इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। फाइनल में बेमानी करके जीता ऑस्ट्रेलिया, तो आईसीसी चेयरमैन बार्कले ने मैच दोबारा कराने पर जो कहा, सुन करोगे आप भी सलाम। जी हां, मैं आप सभी को बता दूं कि फाइनल में बेमानी करके जीता ऑस्ट्रेलिया, तो चेयरमैन बार्कले ने बहुत ही बड़ा बयान दिया है दोबारा मैच को लेकर के। तो लाखों हजारों फैंस के चेहरे पर खुशी झलक आई है और विराट कोहली के और सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा के भी आंख से आंसू छलक आए, क्योंकि मैं आपको बता दूं ये खुशी के आंसू हैं। भारतीय टीम के फैंस चाहने वालों की मनोकामनाएं पूरी हो गई, जिस चीज़ का वो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो ये मुकाबला कब खेला जाएगा, कहां पर खेला जाएगा और आईसीसी के चेयरमैन ने क्या बयान दिए हैं, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए ताकि आपको पूरी की पूरी जानकारी पता लग पाए। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसा कि इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मुकाबला 19 नवंबर 2023 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। मुकाबला काफ़ी ज़्यादा खतरनाक विस्फोटक मुकाबला रहा, जिसमें इंडिया की टीम ने काफी ज्यादा मेहनत की और फिर भी उनको हार यहां पर देखने को मिली, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने काफी तगड़ी बेईमानी और ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ साथ अंपायर ने काफी तगड़ी बेईमानी की और रोहित शर्मा को आउट बता करके जो है फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की टीम जीत कर ले गई। लेकिन मैं यहां पर आपको बता दूं, यहां पर कई बड़े बड़े दिग्गज रिटायर खिलाड़ी चुप नहीं बैठे, क्योंकि उन्होंने जब फाइनल मुकाबला बार बार रिकवर करके देखा तो पता लगा यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम ने काफी बड़ी बेईमानी की है। जी हां, मैक्सवेल के तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर जब रोहित शर्मा ने शॉट लगाया था तो वहां पर वो कैच आउट नहीं हुए थे, बल्कि मैं आप सभी को बता दूं कि वहां पर कैच आउट अंपायर ने बता दिया था, वहां पर रोहित शर्मा कैच आउट नहीं थे। वो बॉल की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जमीन पर टच होकर उस खिलाड़ी के हाथ में गई थी। उस खिलाड़ी ने खुद बयान दिया है कि रोहित शर्मा आउट नहीं थे, लेकिन इससे पहले मैं कुछ बोल पाता अंपायर ने रोहित शर्मा को आउट बता दिया और मैं भी ट्रॉफी के जीत के जुनून में था, मैं भी कुछ नहीं बोला और मुकाबला फिर चलता रहा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि रोहित शर्मा की टीम लगातार तड़पत्तड़ आउट होती चली गई और इंडिया के 240 रन बन पाए। लेकिन अब आईसीसी बीसीसीआई चेयरमैन ने काफी बड़ा ऐलान कर दिया है, ये मुकाबला जो है वर्ल्ड कप का दोबारा खेला जाएगा। इंडिया टीम के लाखों करोड़ों फैंस काफी समय से इंतजार कर रहे थे, अब उनके इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। जी हां, मैं आप सभी को बता दूं मुकाबला कहां पर खेला जाएगा, कितने बजे खेला जाएगा। अगर आप इंडिया के फैंस चाहने वाले हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं आपको बता दूं, अगर महेंद्र सिंह धोनी और सचिन तेंदुलकर ना होते तो शायद वर्ल्ड कप का फाइनल दोबारा मुकाबला नहीं हो पाता, क्योंकि इन दोनों ने सबूत इकट्ठा करके बीसीसीआई और आईसीसी चेयरमैन को दिखाया। यहां तक ये बात है वो प्रधानमंत्री यानी कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री तक पहुंच गई, उन्होंने जो कहा आप भी सुनकर करोगे सलाम। जी आपको बता दो, प्रधानमंत्री ने कहा अगर हमारी ऑस्ट्रेलिया की टीम बेईमानी तरीके से जीती है तो हम इस मुकाबले को जरूर दोबारा कराएंगे, अगर हमारी ऑस्ट्रेलिया टीम ने बेईमानी नहीं की तो इस मुकाबले को दोबारा नहीं करा सकते हैं। फिलहाल हमारी ऑस्ट्रेलिया टीम के बेईमानी नहीं हुई है, ये अंपायर की एक गलती की वजह से रोहित शर्मा को वहां पर आउट बताया गया है, लेकिन अब मैच हम दोबारा कराएंगे। लेकिन कहां पर कराएंगे, कैसे कराएंगे, आपको सभी को बता दूं ये मैच दोबारा हमारे हिसाब से होना चाहिए, लेकिन अभी तक इनकी मीटिंग और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। जैसे ही कोई फाइनल रिजल्ट आता है, फाइनल जो है डिसीजन आता है, आपको इस चैनल पर जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।